दोस्तों, इसी साल जनवरी महीना में मैंने नर्सरी विजिट की थी अपना कुछ सामान खरीदने के लिए, और उसमें फर्टिलाइज़र भी था, कुछ प्लांट भी था। और उस दौरान मैंने नर्सरी में एक टोटली न्यू एंड रेयर वैरायटी का एक प्लांट देखा, जो आप देख सकते हैं वीडियो में, नर्सरी में मुझे मिला था। और मुझे इस प्लांट का बारे में पता भी नहीं था और नाम भी मालूम नहीं था। जब मैंने इस प्लांट का नाम पूछा तो उन्होंने बताया कि इसका नाम है क्लियोरिनन स्कीमिटी, बहुत ही रेयर प्लांट है। और मैंने उसी वक्त ठीक की थी कि मैं इस तरह का एक क्लियोरिनन खरीदूँगा। इसी तरह का क्लियोरिनन का बहुत सारा वैरायटी है, और जो कि बहुत कॉमन वैरायटी है क्लियोरिनन का, वो है जो क्लियोरिनन थॉमसिनिया। और इस प्लांट को आपने बहुत सारे लोग देखे हैं, एक वाइन है। और इसी का और भी एक दूसरा टाइप का क्लियोरिनन आपको रोड के दोनों तरफ, आप या तो रेल लाइन के दोनों तरफ आपको देखने को मिलेगा, बहुत जंगल में होते, वो है क्लियोरिनन इनफॉर्चुनेटम। तो इस तरह वाइल्ड स्पीसीज भी आपको देखने को मिलेगा। और क्लियोरिनन का सबसे जो कॉमन वैरायटी है वो है क्लियोरिनन थॉमसिनिया, जो कि आप लोग ब्लीडिंग हार्ट के नाम से जानते हैं, लेकिन वो ब्लीडिंग हार्ट नहीं है। जब भी कोई वीडियो में सर्च करता हो ब्लीडिंग हार्ट बोल के, वही प्लांट आता है, मतलब कि वो गलत प्लांट है। जो ओरिजिनल ब्लीडिंग हार्ट है, कुछ इस तरह दिखते हैं ब्लीडिंग हार्ट प्लांट, जो कि अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, किसी भी ऑनलाइन में भी ब्लीडिंग हार्ट अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो क्लियरन का बहुत सारा वैराइटीज़ इंडिया में अवेलेबल है, उसमें से सबसे जो रेयर है वो है क्लियरन स्कीमिटी, जो ने मैंने इसी तरह मैंने एक प्लांट को ख़रीदा था। और जब मैं प्लांट को ख़रीदा था तो प्लांट एकदम डॉर्मेंसी पीरियड में था, तो इस तरह सूखा हुआ ब्रांचेस था। तो मैंने सोचा कि जितना भी सूखे ब्रांचेस मुझे मिले हैं, मैं सभी का इस तरह प्रून कर दूं। हालांकि इस प्लांट में अभी तक मुझे फ्लॉवरिंग नहीं हुआ है, लेकिन वो वही प्लांट है। और इस प्लांट को मैंने ग्रो करना स्टार्ट किए, और इसका भी ग्रोथ और अपडेट भी मैं आपको दिखाऊंगा। और मैं आशा रखता हूँ कि नेक्स्ट ईयर मुझे इसमें से अच्छी तरह सा, उसी तरह दिखने वाला, उसी तरह बुशी फ्लॉवरिंग मिलेगा। और दोस्तों, मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि ये फोटो आप देख रहे क्लियोरिनन थॉमसिनिया, जो कि एज ए ब्लीडिंग हार्ट आप लोग जानते हैं, ये ब्लीडिंग हार्ट नहीं है। ये क्लियोरिनन का ये बहुत सारे वैराइटीज में से एक वैरायटी है, जो कि एक वाइन है। और मैंने जो प्लांट खरीदा है वो भी ब्लीडिंग हार्ट नहीं है, ये भी क्लियोरिनन का एक वैरायटी है, जिसका नाम है क्लियोरिनन स्कीमिटी, जो भी बहुत ही रेयर प्लांट है। और मैंने इस तरह प्लांट के ऊपर अभी तक किसी को वीडियो बनाते हुए नहीं देखा है। और इस प्लांट का जो फ्लावरिंग टाइम है वो है जनवरी महीना, और जनवरी के बाद जब इसका फ्लावरिंग ख़त्म होता है तो प्लांट ऑटोमेटिकली डोरमेंसी में चला जाता है मार्च में, और ठीक अप्रैल में इसमें फिर से नया पत्ता शुरू होना स्टार्ट होता है। जैसे कि मार्च महीना में मैंने इस तरह प्लांट को लगाया था, उस दौरान प्लांट पर पत्ता नहीं था, और मैंने तकरीबन 6 इंच का पॉट में प्लांट था, और मैंने 12 इंच का गमले में इसको लगाया था। और इस तरह रिपोर्टिंग के दौरान अगर आपको लगे कि प्लांट में जो रूट बाउंड हो रहा है, तो आप इस तरह थोड़ा सा रूट प्रूनिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 6 इंच का पॉट से इसको चेंज करके 12 इंच का गमले में दिए थे, क्योंकि जो प्लांट का जो हाइट है काफ़ी अच्छा था, तकरीबन 2.5 फीट की ऊंचाई तक इसका हाइट था। और इस तरह प्लांट वाइन नहीं है, एक ट्री है, मतलब कि एक शराब है। अब चाहे तो इस तरह प्लांट को आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। और देखिए, मार्च महीना मैंने लगाया था, उसके ठीक एक महीना बाद जो प्लांट था, प्लांट पे काफ़ी ग्रोथ दिखने को मिला है, नया पत्ता भी आना स्टार्ट हुआ है। और मैं आशा रखता हूँ कि नेक्स्ट दिसंबर जनवरी में मुझे उसी तरह फ्लॉरिंग मिले, जबकि जो मुझे नर्सरी में दिखने को मिले था। प्लांट बहुत ही रेयर है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे इस तरह प्लांट मिले हैं, क्योंकि अभी तक जितना भी ऑनलाइन स्टोर है उसमें अवेलेबल नहीं है। और आप चाहे तो जाके आपका जो लोकल नर्सरी से आप जाके बात कर सकते हैं, और मुझे इसका लोकल नेम पता नहीं है, लेकिन फिर भी प्लांट का वीडियो आप दिखा सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप सभी को नर्सरीज में इस तरह प्लांट अवेलेबल मिले, ताकि एज ए न्यू कलेक्शन आप अपने गार्डन में इसे ऐड कर सके, और आपको भी इसी तरह फ्लोरिंग मिले। हालांकि अभी तक मुझे फ्लोरिंग नहीं मिला है, लेकिन दिसंबर या जनवरी में शायद मुझे फ्लोरिंग मिल जाएगा। और मैं चाहूँगा कि हर 2 या 3 महीने का अंतर अंतर मैं इसका अपडेट आपको दूँ। और अभी मैं कोई फर्टिलाइज़र ऐड नहीं करूँगा, क्योंकि प्लांट को मैंने लगा सिर्फ 1 महीना हुआ है। ठीक 2 महीना बाद मैं इसके फर्टिलाइज़र ऐड करूँगा, और उसके बाद मैं इसका अपडेट भी आपको दूँगा। तो फ्रेंड्स, नमस्कार, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।